सादर आमंत्रित करती हूँ आज के इस अवसर पर आपके संबोधन के लिए, आपके आशीर्वचनों के लिए जोरदार तालियां। सनाम खान फाइल अलिंग सन खान जोहार। बहुत संक्षिप्त में बातें रखेंगे, मौसम खराब है, हमको रांची भी वापस जाना है। आज कैबिनेट का भी बैठक है और आज इस मौसम में भी हम लोग अपने लक्ष्य के अनुरूप गांव गांव, पंचायत पंचायत, शिविर लगाने के साथ साथ हम भी कुछ शिविरों में पहुंच रहे हैं और ये देखने का हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार वाकई में जनता की सेवा में लगा है कि नहीं लगा है। नोटे पे सौर सटेर का नाम हो रहे अतु दिशोमरन चसा बसा होड़ को गो बाबा बोया मिश्रा मजियाड़ाम गुड़ित नायके को तह नवा कार्यक्रम रे सटेरो लगी अडी डी सराव आर मानोतान को नोडे मंच रे मिना को आबोरेन विधायक मंत्री पदाधिकारी को हो उनको हो अडेडी सराव या उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों, आज इस खराब मौसम में भी इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हमारे ग्रामीणों को मैं पुनः पुनः धन्यवाद देते हुए फिर से जोहार करता हूं। हमारे आबोरेन मंत्री को आबोरेन विधायक को आयमालिकान कथा को लय सदर के गया ओना को बन आर हो विधाय रोड़ा नुका तो बुझाओ दिन बांग हुई चाहिए नित दो समय हो कम गया तह नुआ कैम नोडे के बांग लगाओ का ना बल्कि आर हो पूरे झारखंड रहो लगाओ का ना आर तह नोडे आपिया बुड़ाम प्रखंड रहो लगाओ का ना चकुलिया प्रखंड रहो नुका ये होड़ को जरवाओ का ना आर जाल का नोडे स्टॉल लगाओ का ना ओंडे हो स्टॉल रे होड़ अपनार अपनार योजना को पंजाएदा आएदा आर को हाथावेदा आर जा सरकारा आरो योजना को मिना आवनारे को आवेदन को एमदा इन तहन निना के मेन बड़ा कते इन आजोमा आलिंग रुवाड़ा कि सरीगे नोंडे जा सरकारे कमीदा उने नोआ को पे जामदा से बापे जामदा जिदा कि विरोधी होड़ को मेंदा कि सरकार चे उपाय कमीदा आर उनको उल्टा सीधा आरोप को लगावे लगावेदा आर सरकार बिना कते आले जाल का कोरोना रे या महामारी होले जेल किदा डेढ़ बच्चर दू बच्चर ओनार गे उजरा होले तहें ना आर जैसे के नवा कोरोना रे या समस्या बई बई ते कौम इदी ना आले हो कमी अड़ी तेज तेले कमी किदा नवाज आपकी योजना आपका सरकार आपके द्वार कार्यक्रम रिया नवा तीसरा चरण करा 2021 रे भी धाव नवा योजना ले नवा शिविर ले एहव लेदा 2022 रे नवा शिविर ले एहव लेदा
आज नवा 23 नवंबर को 2023 रे नवा शिविर पूरा झारखंड रे लगा करना और नीत पूरा झारखंड दिसम रे मेला लगा शिविर लगा करना और हजार हजार हर आतु आतु हर उनार शिविर रे सैन करते अपना योजना को इदीदार जा समस्या को बिना उना को रे आवेदन को एमो करना जब चुनाव बांग हुई लेना उन जो कोई रोड लेदा कि जब आबुआ सरकार बिना तो आबुआ सरकार दो हेडक्वार्टर और एयर कंडीशन रिया रूम रे दुड़ कते बाय कमिया आबुआ सरकार आतु दिशा में सेंग कते कमिया और उनाते समय समय रे आपे लगी जागे योजना आले ले बिनावदा ओनारिया मोटरा तोल तोल कते पंचायत पंचायत रे पदाधिकारी ले भेजाए को आर आपे को लगी ये ओंडे होड़ को दुरुग करना तो इन मैं नीति आजमिदा अडी चिंता रहा कथा करना कि नोडे और आडे पासे दिसम रहा स्थिति हो चेक करना होना हो जेल पे नोडे आबोरेन हड़ाम बुड़ा हड़ाम बुड़ी को आबोरेन रंडी को हड़ को विकलांग को मी हजार पेंशन को जाम दा लेकिन होना के उड़ीसा रे 500 टका को जामदा बिहार रे 400 टका को जामदा छत्तीसगढ़ रे 350 टका को जामदा लेकिन झारखंड रे मी 1000 टका को जामदा आरो नुका के आयमा जिनिस रे आयमा फरक बिना संसाधन हो आबुआ भारत सरकार बाय मोक ना अगर संसाधन हो जहां तेरा आबुआ भारत सरकार को आबुआ नमक लगती हुई करा ओना पैसा बांग जामते थोड़ा कम कम वो जामेदा अगर सरकार अधिकार केंद्र सरकार एम लिखा है तो नवा दिसम रे जहां तेरा रहे नचार होड़ को मिना कुआ सनाम को अड़ी मौजत जुवन कोड़ा कोड़ी को रोजगार सृजन लगी 10 लाख जुवन कोड़ा कोड़ी को 10 लाख टका कते सरकारी अनुदान ले हम दड़े को किया लेकिन बाको ये मौक करा आज नीत महंगाई जाले का सिरमा चोट रे रकाबो करा नवा हो अड़ी चिंता रिया कता करा सनाम जिनी सड़ी महंगाओ करा जोमजू लगी अलोक पढ़ा लगी चसा बसा लगी सनाम जिनिस आने जाल का दिसंबर रेंगे होड़ को हालत बड़ी को करना अगर नुआ की स्थिति ताहे लन खान आरव बड़ी दिया पहल को चुनाव बनावे ताहे सरकार राज बिगाड़ करते 20 बछौर हुई ला 23 बछौर चला करना 23 बछौर रे 300 नौका पदाधिकारी पंचायत रे सैन करते शिविर लगाओ करते आपे जहाना को हटिंग आपे कहता है बाको हटिंग है ताहे लाख लाख कर्मचारी पूरे राज्य रे मिना कुआ कई विभागों में हजारों लाखों कर्मचारी है कभी कर्मचारी गांव नहीं गया कभी बीडीओ सीओ गांव नहीं गया और आज अपने वादे के अनुरूप रास्ता हो या ना हो आज पदाधिकारी नेता ट्रैक्टर में बैलगाड़ी में मोटरसाइकिल में गांव गांव जाकर के पंचायत में शिविर लगा करके हमारे ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर रहा है आज एक नहीं हजारों शिविरें
पूरे राज्य में लगी हुई है। हर दिन 23 तारीख से चल रहा है, 29 तारीख तक ये शिविरें चलेंगी। पहला शिविर हम लोग लगाए, 35 लाख आवेदन हमको मिला। दूसरा शिविर लगाए, 55 लाख आवेदन मिला। इस बार इस शिविर खत्म होने के बाद कितना आवेदन मिलता है इसको भी देखेंगे। और आज पहला शिविर का नतीजा ये हुआ कि आज राज्य के अंदर 60 साल का जितना बूढ़ा बुजुर्ग है सबको पेंशन मिलता है। आज हमारी जितनी विधवा महिला है पूरे राज्य में, चाहे वो 18 साल का हो या 80 साल का, सबको पेंशन मिलता है। कोई बिना पेंशन का नहीं है। ये भारत देश का पहला राज है जो सभी बुजुर्गों को, सभी महिलाओं को, सभी दिव्यांग को, और साथ साथ में जिस औरत को कोई आदमी छोड़ के भाग जाता है उसको भी पेंशन देने का काम है। पहले लोग जो डबल इंजन की सरकार थी, हमारे विरोधी वाला लोग इस राज्य में सामान्य जीवन में हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग भाग करते हुए लोग भूख से मर गया, लेकिन कोरोना जैसा महामारी पूरे दुनिया में फैला, जब हाट बाजार गाड़ी मोटर काम धाम सब बंद था, उस समय भी हम लोगों ने एक भी मजदूरों को राज्य में मरने नहीं दिया। सबको मुफ्त में, गांव में, पंचायत में खाना बना बना करके अपने ग्रामीणों को मुफ्त खिलाने का काम हम कर रहे थे। और हमारे मजदूर जो अलग अलग राज्यों में सात समंदर पार फंसा हुआ था, उन लोगों को हवा जहाज से ढो ढो करके गांव में पहुंचाने का काम कर रहे थे। ऐसे विपत्ति में भी हम लोगों ने ग्रामीणों का साथ नहीं छोड़ा। पूरा सरकार का मंत्री, नेता, विधायक गांव गांव घूमता था, और आज उस कोरोना ने हमारे दो दो मंत्री को निगल लिया, दो दो मंत्रियों की जाने चली गई। और वो सिर्फ आप लोगों को, हमारे गांव के लोगों को, हमारे आवाम को बचाने के लिए उन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, क्योंकि ये सरकार इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों की सरकार है। ये लोग जो हमारे पूर्ववर्ती सरकार, इनको सिर्फ आरोप लगाना आता है, काम करना नहीं आता है। जो लाखों कर्मचारी जिनको तनख्वाह मिलता है, इस गांव के लोगों को, इस राज्य के आवाम की सेवा के लिए उसको तनख्वाह मिलता है, लेकिन इन लोगों ने विगत 20 वर्ष तक इस जनता की सेवा के लिए नहीं, इन लोगों ने अपने सेवा में उन सभी कर्मचारियों को लगा दिया। आज यही कर्मचारी आज आपके गांव में है, और वो इसलिए भी है क्योंकि इस राज्य की जनता आवाम के साथ जो धोखा हुआ तो धोखा हुआ ही, कर्मचारियों का भी धोखा किया, कर्मचारियों के साथ भी धोखा किया, इनका भी पेंशन पर रोक लगा करके इनका भी पैसा हड़प करने की नई तरीके में बनाई। आज इस राज्य के लाखों कर्मचारियों को भी हमने उनको बुढ़ापे का लाठी, उनका बुढ़ापे का पेंशन देने का काम किया, पुराना पेंशन लागू करने का काम। आज ये बेफिक्र हो गए आपके बीच में, धूप में हो, गर्मी हो, बरसात हो, आज कैंप लगा के बैठा हुआ है पंचायत पंचायतों में। कैसे बैठा? पहले कभी गांव में ऐसा कैंप लगता था? इसलिए हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, आपके लिए बहुत सारी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, पशुधन योजना, सावित्री भाई फूले योजना, दीदी बाड़ी योजना, हमारे गांव के किसानों के लिए, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए हजारों की तादाद में नौकरियां निकल रही हैं। अभी 50-60 हजार और सरकारी नौकरी निकलेगा, सरकारी गैर सरकारी सभी जगह। अभी तो हाल में गैर सरकारी संस्थानों में लगभग 60 हजार से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया। इसी कोल्हान में, चायबासाई या सरायकेला में ऐसा बड़ा बड़ा 4-5 पंडाल लगा करके हम लोगों ने उस समय
10,000 से अधिक नौजवान युवक युवतियों को गैर सरकारी कंपनियों में नौकरी दी। तो ये साधारण चीज नहीं है। और आज हमारे कम पढ़े लिखे नौजवान, नहीं पढ़े लिखे नौजवान, उनके लिए भी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन हम लेके आए हैं। आपको जो काम करना है, खेती बाड़ी करना है, ट्रैक्टर चलाना है, राशन दुकान चलाना है, सैलून दुकान चलाना है, होटल चलाना है, टेंट हाउस चलाना है, गाड़ी मोटर भाड़ा में चलाना है, अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो उन सब चीजों के लिए सरकार आपको पूंजी देगी। आप सरकार को आवेदन दो। कोई भी बचेगा नहीं, सबके लिए कुछ ना कुछ। आज 100 रुपया बिजली यूनिट फ्री भी दे रहे हैं। आज लगभग कोई भी ग्रामीणों को बिजली का पैसा देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आज हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारा गांव देहात इतना गरीब, जिसी को लेकर हम लोगों की लड़ाई रही कि अलग राज बनाएंगे, हमारी गरीबी खत्म होगी, इसके लिए हमारे आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी ने एक लंबा संघर्ष किया, अनगिनत लोगों का शहादत हुआ, तब जाके ये राज मिला। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, 40 साल संघर्ष करने के बाद राज मिला और राज अलग होने के 20 साल तक उन्हीं बेईमानों ने सरकार चलाया जो राज अलग करने के घोर विरोधी थे। जो घोर विरोधी था वो आपका क्यों सेवा करेगा? इसीलिए हम लोगों ने 2019 में फिर से कमर कसा कि नहीं, राज तो लिया लेकिन राज का अधिकार गांव के लोगों को नहीं मिल रहा है, इसलिए आप सत्ता में कब्जा करना जरूरी है। और आज 2019 में पूरा जोर लगा करके इस सत्ता को भी हम लोगों ने पकड़ने का काम किया और नतीजा आज सब बुजुर्गों को पेंशन, नतीजा अब सब महिलाओं को पेंशन, नतीजा अब सभी राज्य की बच्चियों को सावित्री बाई फूले का योजना, इसका नतीजा है आज गांव गांव में बिरसा हरित ग्राम योजना से लाखों एकड़ जमीन में फलदार पेड़ लगना। और आज उसका नतीजा है कि आज पदाधिकारी आपकी योजना का गठरी बना करके आपके दरवाजे में घूम घूम करके आपको योजना देने का काम कर रहे हैं। कई ऐसी चीजें, आज हमारे बच्चे गरीबी इतना कि पढ़ाई किस तरीके से होगा, खासतौर पर बच्चियों के लिए को लेकर 8वां 9वां पास करती नहीं है, माँ बाप लोग उसके लिए दूल्हा खोजने लगता है। हम उन माँ बाप से हाथ जोड़ना चाहेंगे, आप बेटी हमारी बोझ नहीं बनेगी। अब इसके लिए हमने सारी व्यवस्था कर दी। पहला व्यवस्था के रूप में अभी हम सभी बच्चियों को सावित्री बाई फूले योजना से जोड़ने जा रहे हैं और आज 8 लाख बच्चियों को हमने जोड़ा। और जो कानून में 4-2 बच्चियों की बाध्यता थी कि किसी घर में 2 ही बच्ची को सावित्री फूले का योजना का लाभ मिलेगा, अब ये 2 बच्ची नहीं, अगर 3, 4, 5 बच्ची भी है तो सभी को सावित्री बाई फूले का योजना दे। और तो और अभी सभी बच्चियों के खाते में साइकिल का भी पैसा चला गया जो बरसों से इन लोगों ने लटका के रखा था। और हम लोग कैसे इतनी साइकिल दे, इसीलिए हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से इस राज्य के सभी बच्चियों का जो पहले भी पढ़ के निकली है उनको भी हम लोगों ने पैसे देने का काम किया। और आज जो पहले बूढ़ा बुजुर्ग या विधवा या विकलांग जो पेंशन मिलता था 3 महीना 4 महीना में मिलता था, बैंक में लोग जाता था फिर बैंक वाला बोलता था अभी पैसा नहीं आया है, बैंक वाला भी ठगता था। लेकिन इस बार जो लोगों को पेंशन मिलता है वो महीना से पहले पेंशन मिल जाता है, ये इस सरकार का सोच कि किसी को तकलीफ ना हो। और कई चीजें हैं, आज हम बहुत
यहीं पर हम बातों को खत्म करेंगे। हम यही जानना चाहते हैं अब आदू दिसोमरे हड़ा मुड़ी को पेंशन को न्यामिदा सेवा को न्यामिदा सनाम को न्यामिदा सावित्री बाई फूले का योजना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कोई भी बच्ची अभी नहीं पढ़ाई छोड़ेगी। अभी जो भी नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवां क्लास का बच्चा पढ़ेगा उसको गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम देंगे और आने वाला समय में कोई भी गरीब किसान मजदूर का बेटा इंजीनियर डॉक्टर वकील पत्रकार जो भी कुछ पढ़ना चाहेगा 5 लाख 10 लाख 8 लाख 15 लाख रुपया अगर खर्चा होगा तो वो पैसा राज्य सरकार देगी। आपको कोई बंधक देने का जरूरत नहीं। कोई बंधक भी नहीं रखना पड़ेगा। जमीन गिरवी भी नहीं रखना पड़ेगा। घर द्वार जानवर बिक्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका गारंटर सरकार बनेगा और जब तक आपका पढ़ाई पूरा नहीं होगा सरकार को पैसा वापस करने का जरूरत नहीं। पढ़ाई पूरा होगा आपको नौकरी लगेगा तब थोड़ा थोड़ा करके सरकार को पैसा वापस कर दीजिएगा। कीजिएगा कि नहीं। सरकार को और बच्चों को भी पढ़ाना है और बुजुर्गों को भी पेंशन देना है और महिलाओं को भी मदद देना है। हर गरीब हर इंसान का 3 जरूरत चीजें हैं रोटी कपड़ा और मकान। और पूर्व की सरकार ने आम दिना जब कोई महामारी कोई बीमारी कोई सूखा नहीं था उस समय लोग राशन कार्ड ले लेकर के भात भात मरा। और तो और इस राज्य के 11 लाख गरीबों का जो राशन कार्ड था उसको डिलीट कर दिया। आपका ये सरकार बना हमने 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन कार्ड बना करके आपको बांटा। राशन तो हम दे रहे हैं जितना भी दे रहे हैं आपको हम बता दें उस राशन में आप आने वाला समय 1 किलो दाल भी मुफ्त में आपको हम देंगे। और मकान की बात मकान इस राज्य में गरीबी इतना है बेचारा गरीब में बहुत लोगों को मकान नहीं मिला लाखों लोगों को मकान नहीं मिला। सामान्य आंकड़े के अनुसार 8 लाख लोगों को मकान देना अनिवार्य था प्राथमिकता के आधार पर। केंद्र सरकार उसमें कुछ पैसा देता है राज्य सरकार कुछ पैसा देता है। केंद्र सरकार से हमने कहा कि हमारे 8 लाख गरीब है और उन्होंने भी माना कि यहां गरीब लोग हैं इनको मकान अभी और देना है लेकिन पैसा नहीं दिया हाथ खींच लिया। लेकिन आज कालाजार जैसे बीमारी हमारे गरीबों के ही घर में आता है इसलिए इन बीमारी से गांव के लोग की मौत ना हो तो हमने राज्य सरकार ने अपने ताकत पर अबुआ आवास योजना शुरू किया है जो इस राज्य के हर गरीब को आवास देंगे। वो आवास अभी 2 मकान का मुर्गी खाना मिलता है ना प्रधानमंत्री आवास हम 3 कमरे वाला सुसज्जित आवास बना के दें। अभी आपका आवेदन आ रहा है और बहुत ज्यादा आवेदन आ रहा है और हमको मालूम था कि आवेदन बहुत ज्यादा आएगा लेकिन आप उसकी चिंता ना करें। अभी हम लोगों ने पहले चरण में 15,000 करोड़ रुपए अभी हम लोगों ने आवास के लिए रखा है। आवास की जांच होने के साथ जितना और अधिक बढ़ेगा 8 लाख से उन सभी को अब वह आवास सबका आवास होगा। पहले एक हम लोग पड़ाव पार कर ले फिर आगे भी बढ़ेंगे इसीलिए इसकी चिंता भी आपको नहीं है। आवास का भी खत्म
समस्या को खत्म करने का हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है। रोटी का भी हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया है और कपड़ा का बात, आज सब गरीब को 10 रुपया में धोती साड़ी मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए बहुत बढ़िया। और हमारा विरोधी लोग बोलता है कि कोई काम नहीं हो रहा है, इन लोग को दिखाओ और बताओ और समझाओ कि ये सरकारी मंच है, यहां पर सभी विधायकों का नाम लिखा हुआ है जो सरकार में है जो सरकार में नहीं है, ये लोग भी, लेकिन ये लोग यहां नहीं आएंगे, ये लोग दूर से पत्थर मारेंगे और आपका बना हुआ खाना पे किरासन तेल छिड़क देगा और अलग अलग मंच बना करके वहां पर भोपू बन करके सरकार को कोसने का काम करेगा। इनसे पूछो 20 साल में हमारे मां बापों का आंख का आंसू क्यों नहीं पूछा, पूछो हमारी विधवा महिलाओं को मान सम्मान से जीने के लिए तुम लोगों ने 20 साल में क्या किया, उनसे पूछो कि आज इस राज्य में गरीब लोगों को आवास क्यों नहीं मिला। तो आज ये लोग इस विषय पर बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे हिंदू मुस्लिम कौन है, आदिवासी गैर आदिवासी कौन है, कौन अगड़ा पिछड़ा कौन है। आज हमारे नौजवानों को इन्हीं व्यापारियों इन्हीं महाजनों के घरों में जाके खटना पड़ता है, कोई उसका खेत में काम कर रहा है, कोई उसका गाड़ी का ड्राइवर बनके काम कर रहा है, लेकिन आज सरकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से जो लोग चालक बनकर के महाजनों के यहाँ काम कर रहे हैं उन नौजवानों को उस गाड़ी का मालिक बनाने का योजना हमने ला दिया। अब अपना गाड़ी होगा, अपना मालिक होगा और अपना स्वरोजगार से अपना मान सम्मान से जिएगा, नहीं तो वो महाजन कब निकाल देगा, कब हटा देगा, कोई भरोसा नहीं। तो इसीलिए कई और ऐसी हैं जिससे आप मान सम्मान से जी सकते हैं, किसी के सामने भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप सरकार जो पहले 20 साल तक अंधा बहरा गूंगा की तरह बैठा रहा, वर्तमान सरकार सुनता भी है देखता भी है और घर घर पहुंचता भी है। इसीलिए बातें बहुत है, हम यहीं पर बात खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग इस पूरे खराब मौसम में भी यहां आए, इसके लिए आप लोगों का आभार प्रकट करते हुए हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के वीर शहीद रहे, सबको जोहार।